हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ लेज़र हेयर रिमूवल से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियों के बारे में। ऐसे कुछ डर जिनके कारण आप इस ट्रीटमेंट को कराने के बारे में सोचते भी होंगे और फिर पीछे हट जाते होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ सत्या स्किन लेज़र एंड हेयर क्लिनिक में पिछले 16 सालों से। तो चलिए बात करते हैं पहले भ्रम के बारे में। सबसे पहला फियर जो लोगों के दिमाग में आ सकता है कि शायद ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल या बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह ट्रीटमेंट बहुत ही कंफर्टेबल है और एक ही सेशन में हम फुल बॉडी भी कवर कर लेते हैं और लोग आराम से आके इसे करवाते हैं, क्योंकि जो इसमें सेंसेशन पता चलती है वो थोड़ी सी हीट की या थोड़ी सी पिंचिंग सेंसेशन होती है। एंड आजकल की जो एडवांस मशीन्स हैं उसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है। इसीलिए आप इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये बहुत ही आराम से आप करवा पाओगे। सेकेंड फियर जो है कि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और शायद हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएँ। तो अगर हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को पिछले कुछ सालों में, तो इसकी कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम ही हुई है, क्योंकि अब बहुत सारी एडवांस मशीन्स आ गई हैं, बहुत सारी जगहों पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो शायद कंपटीशन के चलते भी इसकी कॉस्ट कम हो गई है। एंड अगर आप इसको पर सेशन कॉस्ट कंपेयर करोगे वैक्सिंग से या थ्रेडिंग से, तो आपको भले ही ज़्यादा लगेगी, पर आप इसको कंपेयर करो कि आपको लॉन्ग टर्म कितना बेनिफिट मिल रहा है। आप इसके कुछ सेशंस के बाद 7 to 8 सेशंस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद आपको कोई भी ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हेयर इतने कम हो गए हैं कि आपको हेयर्स की चिंता ही नहीं करनी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है कि शॉर्ट टर्म जो आप इसकी कॉस्ट पर सेशन कंपेयर करोगे तो ज़्यादा लगेगी, बट अगर लॉन्ग टर्म कंपेयर करोगे तो इट इज़ लाइक आपके दिमाग को शांति मिल जाएगी, आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप आराम से कहीं भी जाएं, आपको अपने हेयर रिमूवल मेथड्स के लिए सलोन का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। एक और भ्रांति के बारे में बात करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि यह ट्रीटमेंट केवल फीमेल्स के लिए है, तो मेल्स और फीमेल्स दोनों इस ट्रीटमेंट को करा सकते हैं। जहाँ पे भी आपको बाल पसंद नहीं हैं, जो भी आपके अनवांटेड हेयर हैं, चाहे वो फेस पे हों या बॉडी पे हों, उन सब जगहों के लिए लेज़र हेयर रिमूवल किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेल्स इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगर आपकी यूनिब्रो है, यानी कि आपकी भवें जुड़ी हुई हैं और आप चाहते हैं कि उनको सेपरेट कर दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ पे इस एरिया में हेयर रिमूवल कर सकते हैं। बहुत सारे मेल्स के कानों में बाल आने लगते हैं, तो यहाँ के लिए भी हेयर रिमूवल किया जा सकता है। आपको अपनी बियर्ड की शेप पसंद नहीं है तो बियर्ड की शेपिंग की जा सकती है। एंड अगर बॉडी में हेयर पसंद नहीं है तो बॉडी के लिए भी मेल्स लेज़र हेयर रिमूवल ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो लेज़र हेयर रिमूवल के एक सेशन के बाद भी आपको रिजल्ट्स तो नज़र आएंगे, बट लेज़र हेयर रिमूवल में हमें एक सीरीज़ ऑफ सेशंस चाहिए। अगर आप केवल 2 या 3 सेशन कराने के बाद आगे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपको थोड़े टाइम बाद बाल वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट एटलीस्ट 7 to 8 सेशंस डन। एंड कुछ एरियाज़ में हो सकता है, जैसे कुछ स्टबन एरियाज़ होते हैं फीमेल्स में, चिन एरिया हो गया या अपर लिप्स हो गए, जो थोड़े से हॉर्मोन्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसमें हमें कई बार 12 से 14 सेशंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। एक और भ्रांति के बारे में बात करती हूँ, ये है कि लेज़र हेयर रिडक्शन अगर बिकिनी एरिया में कराएंगे तो वो आपको आगे चल के फर्टिलिटी में, आपके कंसीव करने में प्रॉब्लम कर देगा। तो प्लीज़ इस डर के कारण आप लेज़र हेयर रिडक्शन से पीछे ना हटे। लेज़र की जो बीम है वो केवल आपकी स्किन में 3 से 4 मिलीमीटर तक ही पेनिट्रेट करती है, जहाँ तक आपके बाल का रूट है, उसके आगे वो नहीं जाती है। और आपका जो
यूट्रस है वो काफ़ी अंदर है बॉडी के, तो इसीलिए वहाँ पे जाके लेज़र किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर रहा है। लेज़र का फर्टिलिटी से कोई भी रिश्ता नहीं है। बहुत सारे लोग लेज़र हेयर रिमूवल को कैंसर से भी जोड़ते हैं। आज तक ऐसी कोई भी प्रूवन स्टडी नहीं हुई है जिसमें लेज़र हेयर रिडक्शन के कारण किसी को कैंसर हुए हों। तो लेज़र हेयर रिडक्शन में जो मशीन्स यूज़ होती हैं और जो इसमें बीम निकलती है वो टोटली प्योर लाइट है, वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, उसमें कोई एक्सरे या यूवी रेज नहीं निकल रही हैं। एंड जो नंबर ऑफ सेशंस हम कर रहे हैं वो बहुत ही रेगुलेटेड होता है। तो इसीलिए लेज़र के कारण कैंसर का जो खतरा है वो ना के बराबर है, इसीलिए इस डर के कारण आप इस ट्रीटमेंट से पीछे ना हटें। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जो जानकारी मिली उससे डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी डिसीजन लेने के लिए कि आप भी लेज़र हेयर रिडक्शन शायद कराने में इच्छुक हैं और आप कराने जाएंगे। और अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके अभी इस वीडियो से सॉल्व नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लव योरसेल्फ।